वेलकम टू माय चैनल। नमस्ते, दिस इज सुरभि। सो आज मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारा जो ग्रेटिट्यूड जर्नल है, जो भी हमारा विश जर्नल है, ग्रेटिट्यूड जर्नल है, उसे कहाँ स्टोर करना है या रखना है या फेंक देना है या जलाना है। जब भी मैं न्यू स्टार्ट की थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मेडिटेशन वगैरह, जब भी मैं इसमें आई थी, तभी मेरे दिमाग में ये सारे क्वेश्चंस आते थे कि मैं ग्रेटिट्यूड जर्नल तो लिखती हूँ, बट इसे स्टोर करना है कि कहाँ रखना है, कि फेंक देना है कि जलाना है, पेपर में लिखना है, बुक में लिखना है। अगर मैंने बुक में रखा तो किस कोई पढ़ तो नहीं लेगा, मेरा सीक्रेट कोई जान तो नहीं लेगा। इतने सारे क्वेश्चंस हो, ये सारे दिमाग में आते थे। सो मैंने सोचा ये एक शेयर कर दूं। सो जब आप ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखते हैं, जब आप उसे फील करते हैं और उसके साथ लिखते हैं, यानी आपका जो वाइब्रेशन है वो टाइम पे वो कनेक्ट हो चुका रहता है हमारे यूनिवर्स के साथ, हमारे जो भी एंजल्स होते हैं या स्पिरिट गाइड्स होते हैं, उनके साथ आपका जो कनेक्शन है वो बैठ चुका होता है। सो सपोज आपने वो ग्रेटिट्यूड जर्नल लिख लिया, उसे ग्रेटफुल भी हो गए आप ग्रेटफुल भी हो गए, फीलिंग भी आ गई, सब हो गया, बट अभी आपको वो रखना कहाँ है, आपको रखना है, जलाना है, क्या करना है। जैसे आपने लिख लिया, अभी आप चाहे तो पेज पे भी लिख सकते हैं। स्टार्टिंग में मैं पेज पे लिखती थी, पेज पे लिख सकते हैं। पेज लिखने के बाद अगर आप चाहिए वो रिकॉर्ड के लिए, या आप कभी भी आपको मन करे आप पढ़ने के लिए आप उसे रख सकते हैं। अगर आपको ऐसे लगता है कि नहीं कोई पढ़ लेगा, अगर ऐसा आपको लगता है कि आपको किसी को दिखाना नहीं है, कोई पढ़ना नहीं चाहिए, तो आप वो पेज को जला सकते हैं, ठीक है। आप उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ओके। तो वो डिस्ट्रॉय कैसे करना है, अगर आप डिस्ट्रॉय करते हैं उसे, अगर तो उसे आपको पेज को जलाना है, और वो जो उसका जो वो रहता है ऐश जो होगा, वो आपको है तो खिड़की से वो फूंक के फेंकना है, या फिर आप बेसिन में जो वॉश बेसिन होता है उसमें आपको वो पानी में फेंक देना है, पानी में फेंक के उसे बह मतलब जाने देना है, फ्लश कर देना है, ठीक है। अगर आपको वो नहीं करना है, अगर आपके पास बुक है, मैं बुक रखती हूँ, आपके पास बुक है, आप बुक में लिखते हैं, डेली लिखना होता है तो पेजेस कहाँ रखेंगे, तो बुक में लिखना होता है, तो मैं बुक में लिखती हूँ। अगर आप बुक में लिखते हैं और आपका वो बुक खत्म हो चुका है, तभी आप चाहिए तो आप उसे अपने पास रख सकते हैं रिकॉर्ड के लिए, या फिर आप वो बुक भी फेंक सकते हैं अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। सो मैं क्या करती हूँ, मैंने बुक जमा करके रखा है। जब भी मेरे को मन करता है, मेरा मूड होता है कि देखते हैं मैंने क्या लिखा था वो टाइम पे, तब मैं उसे गो थ्रू करती हूँ, मैं रीड कर। अगर वो रिकॉर्ड्स हम रखते तो हमें पता चलता है कि हाँ हमने ये चीज मांगा था और ये चीज हमें मिल गया है। इससे हमारी जो बिलीफ है, बिलीफ सिस्टम है, वो स्ट्रांग होती है। तो इसीलिए मैंने ये बुक्स रखा हुआ है। अगर आपको नहीं रखना है तो आप उसे फेंक भी सकते हैं या डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं आप उसे बुक को, ये कुछ मैंडेटरी नहीं लगता है। बिकॉज जो टाइम आप कनेक्ट होते हैं यूनिवर्स के साथ वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद आपने जैसे वो मूड से निकल गए, वो कनेक्शन से निकल गए, वो वाइब से निकल गए, तो उसके बाद वो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक जस्ट एक कोरा कागज होता है, कोरा कागज नहीं होता, वो पेज होता है जिसमें आपने लिखा हुआ होता है, उसका कोई फीलिंग वगैरह नहीं रहता है। सो अगर आपको और भी क्वेश्चंस है इसके रिगार्डिंग, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं ट्राई करूंगी उसका जवाब देने का। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आई लव यू ऑल, बाय बाय।